An oil drop of radius 2 millimeter with a density 3 gram per centimeter cube. ओके तो डेटा क्या दिया है, 2 मिलीमीटर रेडियस दिया है, मतलब ये आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. डेंसिटी आपको दिया है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर. एक सेंटीमीटर 10 टू द पावर माइनस 2, उसका क्यूब मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब. तो ये कितना आएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अंडर अ कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3.55 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट पर मीटर, वट इज़ द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स दैट द ऑयल ड्रॉप विल पजेस. तो देखो क्या है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसके लिए होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए. तो ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना, यम है यहाँ पर. हालांकि उसने ऑयल ड्रॉप दिया है तो उसका मास यम ही मान लो. चलो बाद में क्या है, उसने बोला कि ये स्टेशनरी है, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, देखो एम जी लग रहा है. कौन सा लग रहा है, एम जी लग रहा है. उसके बाद अगर ये स्टेशनरी है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब और एक फोर्स ऊपर की तरफ लगना चाहिए. अभी ऊपर की तरफ कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक. वो किसकी वजह से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा. तो देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, राइट. तभी तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा. तो देखो यहाँ पर वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, क्यू इन टू ई इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, एम जी आएगा. एंड आपका क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन इन टू ई इज इक्वल टू एम जी. तो ये होगा एन इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई ई इन टू ई. ये एन क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो देखो एम का वैल्यू तो है क्या तुम्हारे पास, नहीं है. पहले हम लोग क्या करेंगे, एम को कैलकुलेट करके लेंगे साइड में. देखो ये एम इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी क्या होता है, रो इंटू वॉल्यूम. रो कितना दिया है, 3 इंटू 10 टू द पावर 3. वॉल्यूम क्या होगा, वो ड्रॉप है, मतलब स्फेरिकल इन नेचर है, 4 बाई 3 पाई आर. आर क्या है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का क्यूब, मतलब 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्यूब है ना, क्यूब मतलब ये आएगा माइनस 9. तो 3 कैंसल आउट और ये कितना आएगा, 8 इंटू 4 32 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. एंड तो देखो ये 32 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, जी का वैल्यू कितना 10 ले लो. ई कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू ई. कैपिटल ई कितना दिया है तुम्हें, 3.55 इंटू 10 टू द पावर 5, राइट. तो ये हुआ, अभी इसको तुम लोग सॉल्व कर लेना, तुम्हें इसका आंसर मिलेगा. कौन सा आंसर मिलता है, तो ऑप्शन बी मिलेगा इसका, ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट वन, 1.73 इंटू 10 टू द पावर 10, राइट.